हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, हम आपको वीडियो कई दिनों के बाद प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको वीडियो लगातार मिलता रहे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपका जो है दैट इज हार्ट। ठीक है, क्या है हार्ट? अब देखिए, हार्ट हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय। क्या है? हृदय, जिसको हम दिल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हार्ट होता है हम सबके अंदर, वो किस तरीके से क्या फंक्शन करता है, या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने कितने चैम्बर्स हार्ट के पाए जाते हैं, या उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट की वीडियो में आपको हार्ट का डायग्राम बना के उसको समझाया जाएगा। तो हार्ट में आपको पता है कि कुछ कमरे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूम्स होते हैं, कुछ कमरे होते हैं, और उन्हीं कमरे को हम क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हार्ट को डिवाइड किया गया है। इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप में क्या किया गया है, हार्ट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए जो हर्ट है उसको कितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है? टू भागों में। ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है अपर चैम्बर। क्या है? अपर चैम्बर है, और जिसको दूसरा है आपका लोअर चैम्बर। क्या है? लोअर चैम्बर। ठीक है, अपर मीन्स ऊपरी और लोअर मीन्स निचला। तो यहाँ पर जो अपर चैम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और लोअर चैम्बर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर में हम, आपको पता है आर्ट्रियम, जिसे हम बोलते हैं आर्ट्रियम। आर्ट्रियम मतलब होता है अलिंद। क्या होता है? अलिंद। और जो निचला चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, जिसे हम निलय बोलते हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि आर्ट्रियम कहाँ पर होता है, ऊपर की साइड में होता है, और जो वेंट्रिकल होता है वो निचली सतह में पाया जाता है, जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, निलय बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कुछ बेसिक फीचर देखें तो जो हमारा हार्ट होता है ये लगभग कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का हार्ट होता है आपका। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पर देखा जाए जो फिशेस होती हैं, आज हम कुछ बेसिक ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं। जो फिशेस होते हैं, फिशेस में देखा जाए तो जैसे सपोज दैट इसमें चैम्बर देखा जाए तो इसमें हमको दो चैम्बर दिख रहा है, एक अपर चैम्बर दिख रहा है और एक लोअर चैम्बर होता है। तो हम कह सकते हैं जो फिशेस होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? दो। कौन कौन? यहाँ पर होता है आर्ट्रियम, एक आर्ट्रियम होता है, और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? वेंट्रिकल। एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। क्लियर? दूसरा है आपका एम्फीबियंस। क्या है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस या एंड हम बोल सकते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स एम्फीबियंस मतलब, और क्या होता है? उभयचर, जो पानी में भी रहे और स्थल पर भी रहे। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है? सरीसृप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्राउल करते हैं, जो क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं। उनके अंदर कितने पाए जाते हैं चैम्बर? तो उनके अंदर जो चैम्बर की संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। 1 क्या होगा यहाँ पर? 1 आर्ट्रियम होता है, मतलब एक आर्ट्रियम होता है, और यहाँ पर 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। तो अगर हम देखा जाए इन दोनों ऑर्गेनिज्म में आने वाले जो जीवधारी होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, इनमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। क्लियर हो रही बात? अब नेक्स्ट अगर देखा जाए मैमल्स, मैमल्स मतलब क्या होता है? स्तनधारी। एंड एवीज, एवीज मतलब बर्ड से रिलेटिव होता है, मतलब चिड़ियों से रिलेटिव होता है। और मैमल्स में जैसे हम सब लोगों के अंदर जो फीमेल होती हैं स्तनधारी होती हैं, और इन सब में जो चैम्बर होते हैं कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4। 2 आलिंद होता है और 2
निलय होता है, मतलब दो आर्ट्रियम होता है और दो वेंट्रिकल होते हैं। क्लियर हो रही बात? अब ये जो है हम सबके अंदर भी होता है हार्ट में। अभी हम नेक्स्ट की वीडियो में आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे क्या करता है। अब यहाँ पर देख पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि जो आर्ट्रियम है और जो वेंट्रिकल है, मीन्स जो आलिंद है और जो निलय है, इनमें सबसे ज्यादा जो हार्ट में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो किसमें होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो निलय की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। कितनी होती हैं? मजबूत होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो जो हार्ट होता है वो एक मिनट में देखा जाए तो आपको सबको पता है 72 बार जो है क्या करता है, धड़कता है, ठीक है। और इसको जो है नापा भी किससे जाता है आपको पता है, ईसीजी जो होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी से जो है क्या किया जाता है, इसको नापा जाता है। क्या किया जाता है? इसको नापा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक इट्रॉप्टी भी जांच होती है जो हृदय की जांच होती है, दिल की जांच जो होती है उसी से होती है। तो यहाँ पर जो है आपको ये भी जानकारी, अब एक मिनट में 72 बार, अब 300 ग्राम का हार्ट तो आप समझ रहे 5 लीटर इसमें ब्लड जो होता है उपस्थित होता है। जब एक बार में जो है पंप करता है तो कितनी बार करता है? 30 बार करता है, एक बार में 30 बार। तो 30 से जब हम इसको जो है 30 ml, कहने का मतलब एक बार जब पंप करेगा जो है वो जो है आपका एक बार में 30 ml ब्लड को पंप करता है। तो जब हम 30 से जो है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे कुछ ऐसे 5 लीटर जो है आकर के मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्ट्रियम का काम क्या होता है और वेंट्रिकल का काम क्या होता है ये भी जान लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको डायग्राम पढ़ाऊं तो उसमें आपको वो सारी चीजें कंफर्म हो जाए, ठीक है, मीन्स लर्न हो जाए, दिमाग में हो जाए। जो आर्ट्रियम होता है इसका काम होता है जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को रिसीव करने का काम होता है। क्या करने का काम करता है? ये ब्लड को रिसीव करता है, मीन्स जो खून होता है उसको रिसीव करने का काम होता है। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? इसका काम होता है पंप करने का काम। क्या करने का काम होता है? ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? वेंट्रिकल करता है। क्लियर हो रही बात? कौन करता है? वेंट्रिकल करती है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर देखिए जो वेंट्रिकल होगा वो पंप करेगा और आरटीएम क्या करेगा, ब्लड को हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड से जो है पूरे शरीर में जो है ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये लंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद जो भी क्रियाकलाप होती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसको बताएंगे। और एक बात दिमाग में रखना है कि जो ये हार्ट होता है हमारा, ये बीचों बीच में कह देते हैं मिडिल में, लेकिन हल्का लेफ्ट साइड में होता है, मीन्स यहाँ पर अगर आपको पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। तो मीन्स उसकी जाँच करवाइए, ECG करवाइए, ड्रॉप्टी करवाइए, ये सब जाँचें होती हैं, उसकी जाँच आप करवा सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए हार्ट कहाँ होता है, हल्का लेफ्ट साइड में होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट के वीडियो में हम आपको डायग्राम बताएंगे हार्ट का और उसमें अच्छे से समझाएंगे हार्ट की क्या फंक्शन है, क्या और सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, धमनी क्या होता है, ठीक है, फुफ्फुस सिराएं क्या होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में समझ में आपको अच्छे से बताया जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। एनी वे आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।